प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने रविवार को विद्युत कर्मियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सरकार के द्वारा निजीकरण किए जाने से 5 अक्टूबर से विद्युत संगठन के कार्य बहिष्कार को देखते हुए विद्युत विभाग के कर्मचारी और विद्युत ड्यूटी में लगे प्राइवेट संस्था के कर्मचारी व अन्य विभागों के कर्मचारियों के साथ बैठक हुई है। सभी कर्मचारियों को ये निर्देशित किया गया है कि जनपद में विद्युत आपूर्ति बहाल रहे और कहीं पर विद्युत की फॉल्ट हो तो उसको तुरंत ठीक कर दिया जाए, जिससे किसी भी तरह की समस्या लोगों को ना उठानी पड़े। बैठक एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, विद्युत विभाग और राजस्व कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, आप लोगों को बुलाने का उद्देश्य अभी इसको और सिंगलार नहीं करेंगे, अभी तो आप सब लोग इधर सब चकबंदी वाले के मुद्दे का ये है कि जनपद के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनसे फोन करके उनके यहाँ से डेटा भेज इलेक्ट्रिकल का मंगा लें। हाँ, उसमें आप ये समझेंगे जो भी सरकारी विभाग हैं, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनके यहाँ से मंगा लें, जितनी कार्यदायी संस्थाएँ उनके यहाँ मंगा लें और उनको कह दें कि वो लोग अवेलेबल भी हो जाए। अगर कोई अभी दायवाएँ हो, कहीं लखनऊ से भरे हो, वो भी करना होगा ड्यूटी एलोकेशन का, तो आपको सूचनाएं कलेक्ट कर लें और ये जितना फास्ट करें उतना अच्छा रहेगा। अब आपके यहाँ से हम चकबंदी से एक या दो लोगों को लगाते हैं, बस 77 सब स्टेशन हैं। अभी हम एक ग्रुप में पूरा डाटा शेयर कर देंगे, तो एक जगह 24 है, एक जगह 29 है, फिर एक जगह 24 है। नगर क्षेत्र में हमारे पास 24 सब स्टेशन हैं, ग्रामीण में एक जगह 24 हमारे पास। वहाँ पर नाइट शिफ्ट में तो ठीक है, कोई चैलेंज वैसा नहीं रहेगा, लेकिन नाइट शिफ्ट में भी हमारे पास कोई वहाँ पावर की आवश्यकता होगी। अब आप कहाँ से हैं? अच्छा, से ही आप हैं, तो अभी हम उनको भी बुलाएंगे, चाहे तो आप हेयर साहब को कॉल कर लीजिएगा। आज माननीय मुख्य सचिव जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, ये विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के द्वारा जो आह्वान किया गया है कार्य बहिष्कार के संबंध में, उसी संबंध में हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और विभिन्न विभागों के लोगों को उसमें बुलाया गया था और उनके यहाँ जो भी इलेक्ट्रिकल के लोग उपलब्ध हैं उन लोगों की सूची बनाई जा रही है और उनको डिप्लॉयमेंट प्लान एक बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो प्राइवेट संस्थाएं काम कर रही थी उनसे भी इसकी चर्चा की जा रही है और प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो। बिंदु मुख्य तौर पे यही थे कि जो हमारा विद्युत आपूर्ति है वो बहाल रहे, कहीं पर कोई फॉल्ट हो तो उसको ठीक कर लिया जाए, स्टोर से कोई चीज़ सप्लाई करने की बात हो तो उन चीज़ों को सुचारू रखा जाए।